संडे की गुड मॉर्निंग सब भाइयों को। आप हैरान हो रहे होगे कि यार ये भाई क्या दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्नेक ट्री है, बहुत फ़ायदेमंद का पेड़, जिस पेड़ को नासा ने भी नंबर वन प्लांट कहा है। रीज़न ये है कि ये कम से कम पानी यूज़ करता है, यानी 15 दिन में आप इसे एक बार पानी दे सकते हो, ये चलता रहेगा। फुल गर्मी हो, कमरे के अंदर रखो, बेडरूम में रखो, किचन में रखो, और ये सारे जितने भी ख़तरनाक जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और कैंसर की जो रेज होती है उसे भी ये कम करता है। आप सोच रहे हैं कि पिजन लवर एकेडमी में ये क्यों दिखाया जा रहा है। भाई हम लोग छत पे रहते हैं, हमारे पास वाटर होता है, पानी होता है, जो हम कबूतरों का कूड़ा खाली करते हैं। अगर हम ऐसी 4-5 प्लांट लगा लें और उसमें वो पानी डालें तो पानी वेस्ट भी नहीं होगा और हम नेचर के लिए और अपने लिए भी बहुत कुछ करेंगे। तो ये ट्री दिखाने का रीज़न यही है कि ये बेस्ट ट्री है मेरा, और मैंने काफ़ी लगाए हैं ऐसे, मुझे बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। तो आप लोग भी भाई कोशिश कीजिए, इसकी कटिंग करके भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे लगा सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में चलो मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा क्योंकि ये नेट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ट्री और जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि हम लोगों को नेचर के पास है, और जो वाटर हम फेंक देते हैं पिजन का, ये उन्हीं पानी से उगाए गए हैं। ये देखिए, ये मिर्ची का पौधा देखिए, कितनी मिर्ची उग रही है, गमले में लगा है। देखिए मिर्ची, देखिए कितनी मिर्ची है इसमें। और ये मैंने ख़रीदा नहीं है, घर की मिर्चों के बीज, बस जब मिर्च होती है उसके दाने इसमें डाल दिए और ये उगाए, और देखो कितनी मिर्ची उग रही। और ये सब में पिजन का वाटर ही जाता है, पिजन का वेस्ट वाटर। तो हम पिजन के वेस्ट वाटर को, ये लेमन का है, बहुत अच्छे निकले थे पर अभी कुछ कमी दे रहा है। ऐसे काफ़ी प्लांट लगे हुए, तो जो पिजन का वाटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें मिनरल्स भी होती है क्योंकि कबूतर की बिट भी बीच में होती है, तो सब कुछ मिल जाता है। और ये स्नेक ट्री, एक स्नेक ट्री दिखाता हूँ आपको, आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए कितना, इसी से मैंने कई रैली की है। ये कड़ी पत्ता है। तो भाइयों हमें इन चीज़ को समझना है कि हम छत पे रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइम छत पे रहते हैं और पानी भी हमारे पास होता है, सुबह शाम के कोंडे हम खाली करते हैं। अगर हम 4-4, 5-5 प्लांट लगाएंगे और धीरे धीरे हम नेचर के क्लोथ तो हम है ही हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने बच्चों को। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक पौधा तो ज़रूर लगाएं, ताकि पिजन के कबूतर के कोंडे का जो पानी है उसे नीचे पर फेंकिए, उन्हें प्लांट पे यूज़ कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।